हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शेट्टी चंद्रन आप सबको मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो बन रहा है उत्तराखंड का चार धाम यात्रा। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड का चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा में आप सबका स्वागत है। आइए चार धाम यात्रा का आप भी दर्शन कीजिएगा। चार धाम यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। जी हाँ दोस्तों, ये है चार धाम। ये चार धाम यात्रा को मिलाकर मैंने एक ही वीडियो में बनाया हुआ है, क्योंकि आपको भी देखने के लिए आसान हो जाएगा और हर एक का अलग अलग करके बनाने का है इसके बाद का वीडियो, मगर ये एक शॉर्ट में बोल के एक बनाया हुआ वीडियो है, इसे आप पूरा देख लीजिएगा। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल में क्लिक कीजिए, ओके। और कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं है तो हर हर महादेव, बस इतना आप लिखेंगे, इतना आप देंगे तो मुझे भी एक अच्छा लगेगा, क्योंकि चार धाम यात्रा करके आया हूँ। तो आइए ये वीडियो को आप पूरा देख लीजिए और आपका फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि ये शॉर्ट में बनाया हुआ चार धाम यात्रा का वीडियो है, इसे आप पूरा देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, चार धाम यात्रा में सबसे पहला शुरुआत होती है यमुनोत्री। जी हाँ दोस्तों, यमुनोत्री में जाने का रास्ता का जाने का और आने का अप डाउन आपको 12 किलोमीटर लगेगा। जाने का 6 किलोमीटर, आने का 6 किलोमीटर, टोटल 12 किलोमीटर का रास्ता है वो। आपको ऊपर यमुनोत्री मंदिर तक पहुंचने के लिए करीबन और एक 1.5 किलोमीटर, यानी कि ये रास्ते से ऐसा होके ऐसा होके थोड़ा सा ही है। आप चल के आए ना? मैं अभी हाँ चल के आए। चल के जा रहे। आपको उम्र कितना होगा? मेरा उम्र है अभी 67 वर्ष। 67 जी। वेरी गुड, वेरी गुड। 16 ईस्वी में मैं रिटायर। बहुत 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 अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, आपको देख के हमें भी अच्छा लग गया, क्योंकि आप इतना उम्र में भी, कितना लोग तो कितने जवान लोग पालकी में बैठ के चलते हैं, घोड़े में बैठ के चलते हैं, इसके लिए आपको देख। हाँ सही बात है, सही बात है। आपको मिलके आपका आशीर्वाद ले दिल किया, बहुत बहुत अच्छा। तो आइए यमुनोत्री का दर्शन लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, उधर भी यमुनोत्री में कुंड में नहाकर दर्शन लेते हैं सब लोग। ठंडे भी बहुत है ऊपर, ऊपर भी आइसफॉल मिलता है। ये दोस्तों, अभी हम चलते हैं गंगोत्री।
अभी गंगोत्री का पहला एक मंदिर आता है जिसमें मतलब पहाड़ में लगकर एक मंदिर है, उसको गंगा नानी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, गंगा नानी में उस पहाड़ में से गरम गरम पानी आपको नहाने को मिलता है। वहाँ से नहाकर आपको डायरेक्ट गंगोत्री, गंगोत्री में आपको कोई चलना नहीं है, डायरेक्ट आपका ट्रैवल बस में से या फोर व्हीलर से उतरेंगे तो करीबन 500 मीटर का रास्ता है चल के जाने का, बस उतना ही है। साथ में आपको गंगा नदी का भी दर्शन होएगा। आइए चलते हैं गंगोत्री। यहाँ दोस्तों अब हमें चलना है केदारनाथ। जी हाँ दोस्तों, केदारनाथ। केदारनाथ में आपको चलने से पहले ही आपको पता है 16 किलोमीटर ऊपर चलना है। 16 किलोमीटर नहीं है दोस्तों, वो करीबन 18 किलोमीटर है। वहाँ का हर एक बंदा का कहना है, क्योंकि ये 16 किलोमीटर बाढ़ आने का पहला का रास्ता जो था वो 16 किलोमीटर, आपका जो रास्ता है वो टोटल 18 किलोमीटर है, क्योंकि रास्ते का कुछ कुछ दिशाएं बदली हो चुके हैं, इसके लिए उसका किलोमीटर थोड़ा सा बढ़ गया है। 18 किलोमीटर वन साइड है, उसमें से आपको घोड़ा मिलती है, बहुत ही अच्छे से तरीके से रखा हुआ है। घोड़े में आपको गवर्नमेंट का जो बनाया हुआ विंडो है वहाँ पर आपको जाके टिकट कटवाना है। टिकट का कीमत है 2500, और जो घोड़ा आपको लेके चलने वाला है उसका आइडेंटिटी कार्ड को वहाँ सबमिट करके उसका नंबर उसमें लिख दिया जाता है, और उसके बाद में जो भी घोड़ा लेकर आने वाला है उसका पेमेंट टैक्स उधर का गवर्नमेंट का टैक्स काट के उनको मिल जाता है। और जो घोड़ा वाला आता है उसको सिर्फ आपको 500 रुपये देने के, यानी कि आपका घोड़ा का कीमत हो गया 3000 रुपया, राइट है। और चल के जाना है तो चल के भी आसान है, मगर थोड़ा सा समझ लीजिए, चलना भी बहुत ही समय लगता है, करीबन रुक रुक के चलते रहेगा तो 8 घंटा का सफ़र है ये, नहीं है घोड़े में अगर आप चलते हैं तो 4 घंटा, 4.5 घंटा लगेगा आपको, ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि बीच में एक ही बार वो लोग ब्रेक देते हैं, बार बार नहीं देते। यहाँ से स्टार्ट हो गया गौरीकुंड से जो शुरू हो जाती है घोड़ा के सफ़र, तो करीबन 8 किलोमीटर के बाद एक बार वो लोग ब्रेक देते हैं, फिर डायरेक्ट आपको केदारनाथ में। आइए चलते हैं, दर्शन लेते हैं केदारनाथ जी का आरती के साथ। दोस्तों अब हम चले बद्रीनाथ। जी हाँ दोस्तों, बद्रीनाथ केदारनाथ से भी ज़्यादा ठंडी है। दोस्तों से मिलते बात करते आपको पता चल जाएगा कितना ठंड है वहाँ पर, सबका शक्ल देख के आपको पता चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बद्रीनाथ में भीड़ बहुत है,
और दर्शन भी अच्छे से होता है अंदर जाने के बाद, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कोई चलना वलना नहीं है आपका, जो भी ट्रैवल्स है डायरेक्ट वहाँ तक जाते हैं, सिर्फ 500 मीटर तक ही आपको चलना है। बद्रीनाथ में आपको कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ दिक्कत है ठंडी का, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है सिर्फ ठंडी का। सो आइए बद्रीनाथ का भी दर्शन लेते हैं। दोस्तों आप लोग कहाँ से? हम मैंगलोर से। अच्छा, मैंगलोर में रहते हैं। और आप? मैंगलोर। अच्छा, ये आप लोग के भाई भाई है? भाई भाई है। ओके ओके। ये मौसम कैसा लग रहा है? बहुत ठंडी है। बद्रीनाथ का मौसम कैसा लग रहा है? बहुत ठंडी है, ठंड में इधर बर्फ गिरता है। बारिश गिर रहा है क्या? बर्फ गिर रहा है? बर्फ बर्फ बर्फ। स्नो 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 स्नो। आइसफॉल आइसफॉल। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। ओ क्या बोलते है, आपका चार धाम यात्रा में खत्म हो गया क्या? अभी बाकी इधर खत्म हो गया। ये चार धाम में बद्रीनाथ आखिरी धाम, चौथवा धाम। यहाँ दोस्तों ये ट्रेवल के साथ में मैं भी आया था, इनके साथ में ही था मैं। ये मैंगलोर का पूरा ग्रुप है, उसी ग्रुप में से मैं भी आया हुआ था, साई श्रीनिवास टूर्स एंड ट्रैवल, वही ग्रुप में से ये लोग सब था। टोटल हमारा ग्रुप है करीबन 120 का टीम है। हेलो जी, आपकी दाबी मैंगलोर? हाँ। प्रॉपर मैंगलोर? प्रॉपर मैंगलोर। अच्छा अच्छा, आप पहली बार आ रहे हैं? हाँ, पहली बार आ रहे हैं। और अच्छा। पहली बार मेरा स्नोफॉल देखने का भी एक्सपीरियंस। अच्छा, स्नोफॉल भी आपको मिल गया? हाँ। यानी कि आपका चार धाम यात्रा में पहली बार आ रहे हैं आप? हाँ। अच्छा। हाँ। और आप क्या कर रही है पढ़ाई में? पढ़ाई में जॉब कर रही है? ओके ओके। ये देखिए इनका चेहरे के ऊपर देखिए आई स्नो, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये दिख रहा है, ये स्नो गिर रहा है, देखिए देखिए ये देखिए इनका बाल पे भी दिख रहा है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये दिख रहा है, यानी कि इतना स्नो गिर रहा है। तो हम लोग को केदारनाथ को लग रहा था कि बहुत ही ठंडा है, वहाँ देखने गए तो यहाँ पर उससे डबल है, है कि नहीं? बहुत ही डबल है, फुल चिल्ड है, यहाँ पर डिग्री 0.1 में आ चुका है, इतना चिल्ड हो चुका है। अभी आगे जाने के बाद में कितना डिग्री कम होएगा पता नहीं है। चलो उत्तराखंड जाना है तो आपको करीबन समझो आप मुंबई में, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से हरिद्वार, या फिर डायरेक्ट आप हरिद्वार का ट्रेन भी कर सकते हैं मुंबई से। सो ये आप मुंबई से हरिद्वार आने के बाद में हरिद्वार से आपको ट्रैवल से बस या फोर व्हीलर करना पड़ेगा। तो टोटल ये आपको चार धाम करना है, हरिद्वार से बद्रीनाथ तक आखिरी यानी कि माना गाँव तक जाने के लिए करीबन टोटल 1500 किलोमीटर का ये रास्ता है, 1500। और इसके लिए आपको करीबन 5 दिन पकड़ के आपको चलना पड़ेगा, कम से कम 5 दिन, क्योंकि थोड़ा रास्ता लंबा तो है ये, मगर मेन प्रॉब्लम गिरता है आपको रास्ता नेरो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा रास्ता है जो पहाड़ी का इलाके का, इसके वजह से आपका गाड़ी बहुत ही धीमे चलती है। सो हाँ दोस्तों, इसी के साथ मेरा ये चार धाम यात्रा का वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ। मुझे पता है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग गया रहेगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल में क्लिक कीजिए, ताकि मैं इसका चार धाम यात्रा का चार अलग अलग करके मैं
पूरा कंप्लीट वीडियो मैं दिखा रहा हूँ आपको। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।